चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के रिवीजन हम लोग ले रहे हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट क्या होता है। नाउ मैनेजमेंट से पहले हमको जानना है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आते हैं। ये लोग जो साथ में आते हैं, इट कैन बी अ मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, कंपनी, पार्टनरशिप, जहां पे भी लोग साथ में आए उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। अब कंपनी में तो प्रमोटर्स, डायरेक्टर, शेयर होल्डर सब साथ में आए, बट तुमको काम करवाना पड़ेगा ना लोगों से। सो ये जो लोग साथ में आए हैं उनसे जो तुम काम करवा के लेते हो उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट एक कला है लोगों से काम करवा के लेने की। नाउ मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, जब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट का आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, इसको ABC फॉर्म में लिखोगे। ये जो है मैंने मैनेजमेंट कौन से वर्ड से आया? इटालियन वर्ड मैनेजर से आया, विच मीन्स टू मैनेज अ हॉर्स। इसको आप क्या करोगे? ए डिराइवेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? ए डिराइवेशन बोलोगे। फिर आप क्या कर सकते हो? बी मीनिंग और सी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हो, ठीक है? नॉर्मली मुझे पसंद है आंसर लिखना ए डिराइवेशन, फिर बी इंट्रोडक्शन कि इन मॉडर्न डे टू डे लाइफ बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, नए जगह पे ब्रांचेस खोले जा रहे हैं तो मैनेजमेंट करना चैलेंजिंग हो रहा है, ठीक है? आपका बी हो जाएगा इंट्रोडक्शन। आप दो लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा। और फिर आपका सी होगा मीनिंग कि मैनेजमेंट लोगों से काम करवा के लेना है, ठीक है? और डी होगा आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैरी पार्कर फॉलेट का डेफिनेशन तो पूरा ट्रेडिशनल डेफिनेशन बहुत फेमस है। मैनेजमेंट एक कला है लोगों से काम करवा के लेने की। सो आपको समझ में है आपका आंसर? कोई भी पूछा इम्पोर्टेंस या लेवल्स, तो ए क्या लिखोगे? डिराइवेशन। बी क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन। सी क्या लिखोगे? मीनिंग। डी क्या लिखोगे? डेफिनेशन। और आपका ई बनेगा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉजिक समझ में आया? तो आपका ABCDE फॉर्म में लिखोगे, और ई के बाद में ये 1 2 3 लिखना, ABCD मत लिखना। साइकोलॉजिकली 1 2 लुक्स बिगर। कुछ लोग रोमन लिखते हैं, कुछ लोग डॉट्स लिखते हैं, वो भी मत करना। ये ऐसा 1 2 3 लिख सकते हो। अच्छा एक और चीज मैं ये एक्सप्लेन करने से पहले बताऊंगा। इफ आप 12th का HSC का पेपर देखोगे, आजकल का ट्रेंड है State 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या State 5 इंपॉर्टेंस, तो चार पांच पूछते हैं। उन लोगों ने सिर्फ बोला राइट शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप कितने पॉइंट्स लिखोगे? 7 पॉइंट्स लिखोगे। तो ये जो पहला है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, सिंपल सा है। मैनेजमेंट एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है। गोल किस तौर पर आप बोलोगे? आपको जैसे मारुति 15 लाख कार बेचता है, ऐसा 18 लाख बेचना चाहता है। सो 20% इंक्रीज इन प्रॉफिट, 20% इंक्रीज इन टर्नओवर, 10% इंक्रीज इन मार्केट शेयर। एप्पल का मार्केट शेयर इंडिया में 2-5% का ही है, सब शाओमी इनका है। तो बोलेगा 5 से हम 8% तक मार्केट शेयर चाहते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो आपका गोल परसेंटेज वाइज, कैलकुलेशन वाइज, नंबर वाइज, क्वांटिटी वाइज, आप जो भी रखो। लॉजिक समझ में है? सो मैनेजमेंट का हर काम गोल के हिसाब से होता है, ग्रुप एक्टिविटी। अभी ग्रुप में कौन कौन रहेगा? टॉप लेवल में डायरेक्टर, मिड लेवल पे मैनेजर, लोअर लेवल पे सुपरवाइजर, फोरमैन। आपको लोगों के साथ और लोगों के मिलकर काम करना है। सो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। आप कोऑर्डिनेशन करोगे, टॉप लेवल आपका ये बनाएगा गोल्स और पॉलिसी बनाएगा, उसको इंप्लीमेंट मिड लेवल करेगा, एक्चुअल काम लोअर लेवल करेगा। सो ग्रुप एक्टिविटी, मिलके थिंकिंग और डूइंग फंक्शन कौन करेगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। तुम मैनेज सी इसमें दो चीजें हैं। आप पढ़ाई करते हो, दिमाग में कितना गया वो समझता नहीं है, बट आपका रिजल्ट समझता है। सो मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल बट द रिजल्ट आर टेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल मारुति ने गोल रखा 18 लाख कार बेचना है। अब मारुति का काम डिस्कशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्लानिंग हो रहा है, परचेजिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना? नाउ
मार्च में पता चलेगा मारुति ने बेचा 18.25 लाख कार्स, मतलब 18,25,000। उनका गोल कितना था? 18 लाख। कितना बेचा? 25,000। मतलब उनका मैनेजमेंट अच्छा या बुरा रिजल्ट से पता चलता है। आप एक स्टूडेंट को 90% आया, उसको अलग दृष्टिकोण से देखोगे, एक को 35 आया अलग दृष्टिकोण से देखोगे, क्योंकि 90% रिजल्ट है तो आप बोलोगे लड़का ब्रिलियंट है, 35 है एवरेज है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मारुति कब आया? 1984। फोर्ड कब आया? 1903। कितने साल से मैनेज कर रहे हैं? 100 सालों के ऊपर हो गया। मारुति को इंडिया में 20-30 कितना हो गया? 84 ना, मतलब करीबन 40 साल हो गए। सो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपका मार्च में गोल कंप्लीट हुआ, अप्रैल में नया गोल के साथ शुरू करो। अगले साल मारुति गोल रखेगा 22 लाख कार का। इंडिया में 30 लाख कार बिकते हैं, ये साल तो अभी बढ़ते जा रहा है, यंगस्टर्स कार ज्यादा ले रहे। तो हो सकता है 2023-24 जो अभी अप्रैल में आएगा, उस साल शायद 35 से 40 लाख कार बिके। ठीक है, उसके बाद सिचुएशनल। अब सिचुएशनल क्या होता है? वक्त बदल रहा है। अभी टू व्हीलर का ही ले लो, एथर 450 मॉडल आया, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना आ गया ना। अभी आपको विश्वास नहीं होगा कि 5 साल पहले आप इलेक्ट्रिक गाड़ी का सोच भी नहीं सकते थे। आज भारत में कितने गाड़ियां हो गई इलेक्ट्रिक? 50 लाख क्रॉस कर चुके हैं। एथर 450 आया, ओला आया, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। सो सिचुएशनल, आपको सिचुएशन बदल रहा है, वैसे आपको बदलना होगा। नहीं बदला तो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आपको दो क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ। एप्पल पहले क्या बनाता था? कंप्यूटर। सोनी क्या बनाता था? म्यूजिक वॉकमैन और ये सब, डिस्कमैन। वॉकमैन इन्वेंट ही सोनी ने किया, डिस्कमैन इन्वेंट ही सोनी ने किया। सोनी मतलब डिराइव फ्रॉम द वर्ड सोना साउंड। अब वक्त बदला, एप्पल और सोनी एक ही, जो जो शेयर की कीमत है ना, सोचो कि 100 करोड़ का वैल्यू एप्पल का, 100 करोड़ का वैल्यू सोनी का। अब वक्त बदला तो एप्पल ने आईपॉड बनाया। अच्छा, सोनी का भी आईपॉड था, लेकिन एप्पल ने मार्केटिंग गजब किया। उन्होंने बोला आपके जेब में 1,000 गाने होंगे। क्या गजब मार्केटिंग टेक्निक! सोनी के पास था, लेकिन सोनी उसको ठीक से मार्केटिंग ही नहीं कर पाया। एप्पल सोनी से आगे बढ़ा, सोनी ने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। एप्पल ने आईफोन बनाया, सोनी ने वायो बनाया। एप्पल ने लैपटॉप्स बनाए, सोनी ने वायो बनाया लैपटॉप्स। और आज यदि एप्पल का मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ है, तो एप्पल का वैल्यू सिर्फ 10 लाख करोड़ है। मतलब एप्पल का सिर्फ 5% है सोनी। मतलब सिचुएशनल, सिचुएशन बदले, सोनी अपने आप को नया कुछ ला ही नहीं पाया। एप्पल नया नया लाते गया ना, आईपॉड, आईपैड, आईफोन, उसमें भी अभी नए नए सीरीज वो कुछ तो कुछ करते जा रहा है। वो चाबी घूमने का क्या बोलते हैं उसको? आई चेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घूम गया चाबी तो आप ढूंढ सकते हो ना। आई वॉच तो मैं भूल ही गया बोलना। सोनी ये सब में एंटर ही नहीं किया। सॉफ्टवेयर में सोनी कभी अपडेट नहीं कर पाया अपने आप। आज सोनी एप्पल की जगह इक्वलाइज होना चाहिए। आप क्वालिटी में, म्यूजिक का क्वालिटी एनी टाइम मेरे को लगता है सोनी का अच्छा होगा। मैंने एप्पल का ज्यादा सुना नहीं है, बट सोनी का एक अलग ही लेवल पे साउंड चला जाता है, बट वो लोग नहीं कर पाए। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। आप नासिक में म्यूनसिपालिटी को मैनेज करना है, यस। मुंबई में रिलायंस का हेड ऑफिस है, मैनेज करना है, यस। अमेरिका का गवर्नमेंट को मैनेज करना है, सो यूनिवर्सल। टेम्पल को मैनेज करना है, यस। डायनेमिक सी, आजकल वो कंपनीज सर्वाइव करेंगी जो डायनेमिक हो। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एयर इंडिया। 1908 से 2008 से 2020 तक 2 लाख रुपया करोड़ का घाटा सब गवर्नमेंट ने भरा। लास्ट पे तंग आकर गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को किसको बेचा? टाटा को, 18,000 करोड़ में। अभी टाटा ने देखा, बाप रे, इंडियन सिविल एविएशन में कितना गैप बचा हुआ है। अमेरिका में है 5,000 पैसेंजर जेट्स, इंडिया में है 700, 450। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया किसने? एयर इंडिया का अभी का जो मालिक है टाटा, उसने बोइंग को 240 और कुछ, एयरबस, बोइंग अमेरिका, एयरबस यूरोप का है, 240 240 का कुछ ऑर्डर दिया। ये देखकर बाकी घबरा गए। एयर एक नया कौन सा, आकाशा, आकाशा ने 100 प्लेन्स का ऑर्डर दिया। ये सब देख के इंडिगो तो नंबर 1 है, इंडिगो क्यों चुप रहेगा? इंडिगो का भी ऑर्डर निकलेगा अभी। मतलब अगले 3 साल में ये 700 का आंकड़ा इंडिया का पार हो जाएगा 2000 तक, 3 से 4 5 साल में।
अपन अमेरिका के नजदीक पहुंचेंगे और इंडिया का पैसेंजर का जो ग्रोथ है वो वर्ल्ड में फास्टेस्ट में से, जो पहले हमारे टाइम में एरोप्लेन ट्रेवल वाज अ लग्जरी, अभी नासिक से अहमदाबाद 2000 में जा सकते, नासिक से गोवा शुरू हुआ कितना लगता है, नहीं 4000 है, 4000 तक है, वो भी 15 मार्च से शुरू हो रहा है। सो अब गोवा जो सोचते थे आप यहाँ से 1 घंटे में उधर जाओ, आप 4 घंटे के अंदर गोवा पहुंच जाओगे, यहाँ से कितना टाइम लगेगा, वो 2.5-3 घंटा, उससे ज्यादा थोड़ी लगना है। सो डायनेमिक प्रोसेस है, आप जब बदलोगे मतलब वर्ल्ड जैसे बदल रहा है, कंपनीज जो बदलेंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी नहीं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप मिडिल और लोअर। टॉप में कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग क्या बनाते हैं, प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, ये लोग बनाते हैं गोल और पॉलिसी जिस दायरे में काम करना है, इसको एग्जीक्यूटिव लेवल भी बोलेंगे। मिडिल लेवल जो फंक्शनल लेवल है, फंक्शनल डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इसको मिड लेवल बोलेंगे। लोअर लेवल जो एक्चुअल में काम करते हैं, मतलब टॉप लेवल गोल्स और पॉलिसीज बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, मिडिल लेवल, उसको एक्चुअल में काम कौन करता है, लोअर लेवल, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, फोरमैन, इसको आप क्या बोलेंगे, सुपरवाइजर लेवल भी बोलेंगे, ऑपरेटिंग लेवल भी बोलेंगे। आपको क्या करना है, सबके फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, कंपनी को किस दिशा में लेके जाना है, मिडिल लेवल का डिपार्टमेंट कंडक्ट करना, उनका अपॉइंटमेंट करना। मिडिल लेवल क्या काम करेगा, जो टॉप और लोअर लेवल के बीच कनेक्टिंग लिंक है, जो प्लानर पॉलिसी बनाया टॉप लेवल ने, उसको इंप्लीमेंट करना, लोअर लेवल को काम देना, उनसे रिपोर्ट्स लेना, लोअर लेवल स्टाफ को अपॉइंट करना, लोअर लेवल का काम क्या है, रिपोर्ट देना मिडिल लेवल को, काम एक्चुअल में करना। टॉप लेवल अगले 10-15 साल का सोचता है, मिडिल लेवल में भी 1 साल का सोचता है, और ये लोअर लेवल डे टू डे मंथली सोचता है। सो रिपेयर, मेंटेनेंस, मेन टू मेन काम, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये करता है। अच्छा, आप जब ये क्वेश्चन करोगे टॉप मिडिल और लोअर लेवल, तो इसके बाद मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आपको, आप मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन में मत जाना। आप क्या करना, जो इस चैप्टर का आखिरी एक डिस्टिंग्विश है वो कर लेना, और आपके पास टाइम कम है तो आप डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स फीचर्स के रूप में भी ले सकते हो। टॉप मिडिल और लोअर लेवल तीनों एक साथ आया तो 8 मार्क का आएगा, वरना डिस्टिंग्विश 1-4 मार्क का पक्का आता है। वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अलग से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मार्क्स भी बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट 4 मार्क का पूछेंगे, लेकिन रेयरली 8 मार्क का भी पूछते हैं, ठीक है। अब टॉप मिडिल और लेवल सेम, क्या बोलोगे, टॉप में कौन कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ। मिड लेवल में कौन आएगा, ऑपरेशनल हेड्स, प्रोडक्शन, परचेस, फिनेंस, एचआर, इसके डिप मैनेजर्स। लोअर लेवल पे कौन आएगा, सुपरवाइजर, फोरमैन, ठीक है ना, क्लर्क्स। नेचर ऑफ वर्क क्या है, गोल, प्लान, पॉलिसीज, ये क्या है, इंप्लीमेंट करना, ये क्या है, एग्जीक्यूट करना, का एक्चुअल काम ये करेंगे। स्किल टॉप लेवल को क्या लगेगा, कंसेप्चुअल स्किल, इसको क्या लगेगा, ह्यूमन स्किल, इसको क्या लगेगा, टेक्निकल, क्योंकि जो मशीन में काम कर रहा है उसको टेक्निकल स्किल लगेगा ना। प्रमोशन पॉलिसी, टॉप लेवल में प्रमोशन मेरिट पे होता है, ये सीनियोरिटी और ये सीनियोरिटी पे होता है। टाइम फ्रेम 5 से 20 साल, 1 से 5 साल और 3 से लेकर साल तक। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉप लेवल जवाबदार है शेयरहोल्डर्स को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को। मिडिल लेवल जवाबदार है टॉप लेवल के लिए, लोअर लेवल मिडिल और टॉप के लिए जवाबदार है। फ्लो टॉप से लोअर लेवल पे जाएगा, मिडिल से लोअर जाएगा, और लोअर रिपोर्ट करेगा मिडिल और टॉप, समझ में आया। सो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट भी कर सकते हो, डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, एक डिस्टिंग्विश आपके 11th के एनुअल एग्जाम में जरूर आएगा, 4 मार्क का, टॉप मिडिल या मिडिल लोअर या टॉप लोअर, एक डिस्टिंग्विश 4 मार्क का आएगा। अब क्या कर सकते हो आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन, ये तीनों आया तो 8 मार्क का आएगा, इंडिविजुअली आया आर्ट, आर्ट या साइंस या प्रोफेशन, तो 4 मार्क का आया। अब तीनों का लॉजिस्टिक्स सॉल्व करने का सेम है, मैं आपको एक लॉजिस्टिक्स बताता हूँ जिसके दम पर आप सॉल्व करोगे। लॉजिस्टिक्स क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्ट साइंस, ठीक है, और प्रोफेशन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैनेजमेंट, ठीक है। अभी डू यू एग्री, आर्ट में भी आर्ट स्किल बेस्ड है, ठीक है, साइंस सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रोफेशन में क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, ऐसे डू यू एग्री, आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, डू यू एग्री।
सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ एक बात बताता हूँ, आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी, रेगुलर प्रैक्टिस, पर्सनल एबिलिटी। तो यहाँ पे क्या आर्ट क्या होएगा? पर्सनल स्किल्स, रेगुलर प्रैक्टिस, रिजल्ट ओरिएंटेड, ये सब आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। डू यू एग्री? लॉजिक समझा? तो बोलने का तात्पर्य क्या है, ए आर टी, आर्टिस्ट जो है उसके पास पर्सनल स्किल है, उसके पास क्रिएटिविटी है, रेगुलर प्रैक्टिस है, पर्सनल एबिलिटी। सो आप आर्टिस्ट में कोई भी एक्टर ले लो, जो आपका पसंदीदा शाहरुख खान ले लो, पर्सनल स्किल्स है, पठान पिक्चर क्रिएटिव बनाया है, रेगुलर आप एक्टिंग करोगे तो आपका एक्टिंग निखरते जाएगा, आप वन टाइम करोगे और रेगुलर करोगे उसमें फर्क पड़ता है, टीचिंग भी वैसा ही है, सब स्किल वैसा ही है, पर्सनल एबिलिटी है। तो बोलने का तात्पर्य मैनेजमेंट भी आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल लगता है, मैनेजर क्रिएटिव होना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेगा और पर्सनल एबिलिटी है। मुकेश अंबानी ज्यादा लोग को मैनेज कर पाएंगे, बाकी लोग कम लोग को मैनेज कर पाएंगे, पूरा स्किल पर है। सेम साइंस का लॉजिक है कि साइंस मतलब सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, तो सिस्टमेटाइज बॉडी, क्या मैनेजमेंट सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है? द आंसर इज येस। क्या साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी तुमको सिलेबस में नहीं है, बट मैनेजमेंट 12th में भी नहीं है? एक हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स था, एक अमेरिका में जगह है जहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि वर्कर्स को ज्यादा पगार दिया जाए या लाइटिंग बढ़ाया जाए या इंटरव्यू किया जाए तो क्या नतीजा निकलता है। तो आप साइंटिफिकली मेथड भी कर सकते हो ऑब्जर्वेशन, ज्यादा पगार दिया तो क्या नतीजा होगा, कम पगार दिया तो क्या नतीजा होगा, कर सकते हैं। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, आजकल जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड बदल रहा है, ट्रेंड कैसे बदल रहा है, पहले 6 days a week वर्किंग था, अभी क्या हो रहा है मॉडर्न मॉडर्न डे पे 5 days, और अगला जनरेशन अगले 10 साल में या 5 साल में 4 days a week आएगा, 8 घंटे के बजाय 10 घंटा काम करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में डू यू एग्री, अभी बैंक में, बैंक 4 सैटरडेज होते हैं, 1, 2, 3 और 4, सेकेंड और फोर्थ छुट्टी रहता है, बैंक एम्प्लॉयज डिड नॉट वर्क, डू यू एग्री? और बैंक के एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड इंडिया में जो होंगे वो बैंक के एम्प्लॉयज। अभी ये साल मुझे लगता है कायदा आ ही जाना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड को भी छुट्टी मिल जाए, मतलब बैंकिंग आवर्स विल ओनली बी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे बैंक बंद रहेगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या सोचा है, तुम 9 बजे आओ, 9 9 to 4 के बजाय 9 to 5:30 काम करो, ऐसे कुछ कायदा आ जाएगा। सो डेली वर्किंग आवर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, सैटरडे संडे थ्रू द मंथ छुट्टी रहेगा, अभी सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहता है, मतलब देखा जाए तो महीने में 6 छुट्टी रहता है, 4 संडेज और 2 सैटरडेज। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा, बैंक के लोग बीमार कम पड़ेंगे, बैंक वालों की हालत हो जाती है, काम का लोड इतना है, इसलिए बैंकिंग एसोसिएशन वाले बोल रहे नहीं मंथली, अमेरिका स्टाइल सैटरडे संडे वहां पे भी छुट्टी रहती, तो ऐसा रखो कि 5 days वर्किंग 2 days हॉलीडे। और एक और है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, अभी वर्ल्ड ना बहुत क्लोज हो रहा है, जैसे इंडिया में पहले 6 days था, हम लोग टीचर्स ही 6 दिन, मल्टीनेशनल कंपनीज में 5 days हो गया, और कुछ जगह पे तो 4 days, दिन में ज्यादा 10 घंटा करो, 4 दिन में 40 घंटा, रादर देन 8 into 5 40, 4 days ऐसा देखा गया है, जो लोग 4 दिन काम करके 3 दिन, कैसे होता है हमारी उम्र में, हम 40+ में क्या होता है रिकवरी टाइम, 6 दिन सिखाने के बाद 7वें दिन नहीं लगातार काम किया तो बॉडी में थकान आता है, तो 1 से 1.25 दिन हमको रिकवरी को लगता है, वही आपको 2 से 3 दिन के रिकवरी के बाद आप जब मंडे को आओगे तो आपको एकदम एक ही फिफ्ट ऐसा, आपको ताकत जो बोलते ना, आप ऐसे ऐसे बॉडी और माइंड स्थिति में होंगे, आपका काम का प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ता है। हमारा सवेरे का टीचिंग और शाम के टीचिंग में स्लाइटली फर्क, शाम को थोड़ा टायर्डनेस रहता है लेकिन इंटेंसिटी उतना ही रहता है, लेकिन मॉर्निंग फ्रेशनेस में एक अलग लेवल रहता है, लेट इवनिंग आप लोग भी देखो 7-8 बजे इरिटेशन बढ़ जाता है थकान की वजह से, राइट? तो ये सेम पॉइंट मैनेजमेंट को अप्लाई करता है, मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, वहां पे भी साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कॉज ज्यादा पगार तो इफेक्ट भी अच्छा आएगा, और भारत में जो कायदा है या मैनेजमेंट जो होता है अमेरिका में भी वैसा टाइप का, क्या फर्क है? आपको मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मैनेज ठीक से नहीं किया, देश बर्बादी की ओर है। लॉजिक समझ में आया?
एक समय श्रीलंका वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, मानी वर्ल्ड कप भी जीता था। आज श्रीलंका डाउन हो गया, इंडिया से हार के गया ना। सो बहुत अच्छे अच्छे उल्टा हो जाता है कभी कभार। ऑस्ट्रेलिया जिसको बेस्ट माना जाता था, आज शायद इंग्लैंड बेस्ट माना जा रहा है टेस्ट में एटलीस्ट। तो वक्त बदलता है, आपको मैनेज वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन सेम लॉजिक विल अप्लाई। प्रोफेशन जैसे सीए फॉर्मल एडुकेशन है, 3 साल का आर्टिकलशिप है, सी एडवर्टाइज नहीं कर सकता, उसका अकाउंट्स में एक्सपर्टीज है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप अकाउंट्स का ऑडिट करोगे तो आपको सीए की एग्जाम पास करके सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। क्या मैनेजमेंट में भी फॉर्मल एडुकेशन लगता है? द आंसर इज यस। मैंने भी एमबीए किया है, 2 साल का कोर्स है, ठीक है, 2 साल, 1 साल कंप्लीट हुआ तो 2 महीने का समर ट्रेनिंग रहता है। वहां पे भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे आप जब जॉब करते हो आपको बताया जाता है कि आपका जो कंपनी का डेटा पब्लिकली बोल नहीं सकते, ठीक है ना। मतलब आप, अभी एक केस हुआ था गूगल में, आई थिंक हुआ गूगल या कहीं पे हुआ था, वो एम्प्लॉय मुझे लगता है गूगल में हुआ था, सॉरी, उसने जॉब छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन किया। तो आप अपने सीक्रेट्स उधर नहीं बता सकते, आपने बताया तो कंपनी ने उससे 100 करोड़ मांगा है कि आपने जॉब छोड़ के उधर कुछ डेटा लीक किया। आई थिंक गूगल का भी सेल्फ ड्रिवन व्हीकल का मैंने कुछ सुना था, कुछ तो लीक हुआ था डेटा। ऐसे कुछ हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको देना पड़ेगा पैसे वापस, क्योंकि एक सीक्रेसी रहता है जो आप पब्लिक को रिवील नहीं कर सकते। मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताता हूँ। एप्पल में एक आदमी जॉब कर रहा था, उसकी बेटी ने ऐसे शूट किया और यूट्यूब में अपलोड कर दिया, फैक्ट कंपनी के अंदर का एप्पल में बैंड है। इंस्टेंटली उसको हकाल दिया काम से, सस्पेंड भी नहीं, सीधा आदमी को। उसकी बेटी ने इनोसेंटली शूट किया था, कोई इसको छल कपट नहीं था, बट यूट्यूब में क्यों अपलोड किया? और उस अपलोड में ईमेल भी थोड़ा सा दिख गया, एप्पल का कोई भी एम्प्लॉय रिवील नहीं कर सकता। अच्छा ये भी जाने दो, मिलिट्री में कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? आपको एक भी आदमी मिलिट्री यूनिफॉर्म के फोटो नहीं खींच सकता। मिलिट्री में जो आदमी काम करता है वो फोटो अलाउड ही नहीं है उसको खींचना, फेसबुक में भी अपलोड नहीं कर सकता। अपलोड तो दूर की बात है, आप फेसबुक इंस्टाग्राम में मिलिट्री का 10 से 12 लोग लोग काम करते हैं, एक भी आदमी का 53 ऐप से जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। और आपने मिलिट्री में देखा होगा फोटो, वो इलीगल है, पकड़ा गया तो उसका नौकरी जा सकता है। मिलिट्री का आदमी मिलिट्री यूनिफॉर्म में फोटो खींच नहीं सकता, अपलोड नहीं कर सकता, डीपी नहीं रख सकता। कारण है, दुश्मनों को पता नहीं चलना चाहिए ना कौन मिलिट्री में, टोटल बैंड है ये। अच्छा कुछ लोग ऐसे, चलो यार गवर्नमेंट को नहीं बताते, चुपके से करते, सरप्राइज चेकिंग माल डालता है गवर्नमेंट, जैसे पता चलता है सरप्राइज चेकिंग, लोग अपने अकाउंट ही डिलीट कर देते, अलाउड नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट है उनका। आप 53 ऐप में नहीं रह सकते, आपको कोई भी मिलिट्री वाला इंस्टाग्राम और फेसबुक में नहीं दिखना चाहिए, दिखा तो इलीगल है। फोटो तो दूर की बात है, फोटो तो दिख के हंगामा हो जाएगा, कुछ लोग दिखते होंगे लेकिन वो इलीगल है, फोटो नहीं खींच सकते, आपके मोबाइल से आप फोटो नहीं खींच सकते। मिलिट्री के एक्सपर्टीज, जैसे आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो या मार्केटिंग एक्सपर्ट, मैनेजमेंट भी एक्सपर्ट वाले लोग को चुनते हैं। रजिस्ट्रेशन, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पूना सर्टिफिकेट देता है, मैनेजमेंट के एसोसिएशन में आप रजिस्टर करते हो। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, आजकल तो बैंक्स भी एमबीए मांगते हैं, कैशियर्स आधा भी एमबीए देते हैं, करेक्ट। तो इस हिसाब से आपको ये चैप्टर करना है। अच्छा एक खास बात, मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस और प्रोफेशन इन लोगों ने पूछा तो आपको 8 मार्क का आएगा, इंडिविजुअली पूछा तो 4 मार्क का आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने अलग से वीडियो बनाया। और एक और खास बात, एग्जाम के एक दिन पहले मेरा 3 वीडियो का सेट होगा। कौन सा? पहले तो फुल चैप्टर रिवीजन, ये आप वीडियो देखोगे, दूसरा फुल चैप्टर एक्सरसाइज देखोगे, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखोगे। सो हर चैप्टर के ऐसे तीन तीन वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले, और इंडिविजुअल वीडियोज के भी मैंने अलग से बनाया। आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप इंडिविजुअल वीडियोज देखो, एग्जाम के एक दिन पहले रिविजन का ये वीडियो देखो, फिर फुल ये चैप्टर के एंड का जो एक्सरसाइज है उसका मैंने अलग से बताया बनाया वीडियो। और एक और खास बात बताऊंगा, अभी का जो ट्रेंड है एसपी और ओसी में, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो इस चैप्टर के एक्सरसाइज से आते हैं, इकोनॉमिक्स का चैप्टर के बीच से कहीं पे भी आ सकता है। 12th, तो 11th और 12th में ओसी एसपी आप पूरे तरीके से सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको चैप्टर के एंड के एक्सरसाइज में से ही ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। आया समझ में? कोई डाउट किसी को है? नहीं तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। ये इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का फुल चैप्टर रिवीजन था।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं बना रहा हूं।